नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ, लीगल लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। समस्या को समस्या बना रखा है आपने, और इसके लिए अगर आप दोष देने के लिए ढूंढते हैं, मेरा वकील खराब है, जज साहब मेरी बात नहीं सुनते हैं, कोर्ट का माहौल खराब है, कानून ही गलत है हिंदुस्तान का, तो ये सब फालतू बातें हैं। हाँ ठीक है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पक्षपातपूर्ण रवैया करते हैं कोर्ट्स के अंदर, चाहे वो जजेस हों, चाहे वहाँ पर पुलिस हो, और चाहे वहाँ पर कई बार ऐसा भी होता है कि कोर्ट के कुछ ऑफिसर्स भी या कुछ क्लरिकल स्टाफ या जो भी होता है वो आपको कई बार पक्षपातपूर्ण दिखता है, पाया भी गया है। जजमेंट्स में भी हमारे कई बार दिखता है कि लिखा जाता है कि आप अपना जो वैधानिक दिमाग है उसको अप्लाई करें, कई बार मजिस्ट्रेट्स और जजेस के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स ने कई बार लिखा है, तो ऐसा है और बर्डन है सुप्रीम कोर्ट्स के ऊपर। इसी एवज में कई बार उन्होंने कहा भी है कि कम से कम ढंग से देख तो लिया कीजिए, पढ़ तो लिया कीजिए पिटीशन, पर क्या करें, वो ज़बरदस्ती हवाला देते हैं, गलत हमारे पास केसेस आते हैं, दुनिया भर के केसेस आते हैं। और इसी के साथ कुछ ऐसे लीगल प्रैक्टिशनर्स हैं जो कि केस में फ़ायदा दिलाने की जगह अक्सर वहाँ पर आपके खिलाफ बोल रहे होते हैं, या फिर आपके खिलाफ ही आपका आपसे ही फीस लेके आपकी पार्टी को या तो इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे होते हैं, या ओपनली भी सपोर्ट करते हैं, या फिर सेटलमेंट की गुजारिश करते हैं, तो फिर केस किस लिए लिया था, लड़ किस लिए रहे हैं। और मज़े की बात यह है, ये बात तो कहनी ही पड़ेगी, कि जब कोई अच्छा यूट्यूबर लीगल एडवाइस दे रहा होता है और आप जब जाके उनसे डिस्कस करते हैं, तो अक्सर वो ये कह देते हैं कि ये लोग तो झूठ बोलते हैं, ये लोग तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ भी बोलते हैं, ये लोग तो आकर केस लड़े तब पता चले, ये लोग तो ऐसे करते हैं, ये लोग वैसे करते हैं, मतलब हमारी जो नॉलेज है वो अप टू द मार्क नहीं है। हाँ, वो जो गलत सलत आपके साथ कर रहे हैं, एवरेज थॉट प्रोसेसेस आपको दे रहे हैं, लीगल उसके अंदर रेमेडी कुछ नहीं है, उसमें कानून का कोई भी हवाला नहीं है, कानून की कोई भी CRPC IPC की कोई भी सेक्शन धारा का कोई इस्तेमाल नहीं है, वो जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं। जज साहब इस बात पर नाराज हो जाएंगे, जज साहब इस बात पर मान जाएंगे, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, वो उनका सही है, हम यहाँ लीगल रेमेडी दे रहे हैं सोशल प्लेटफॉर्म पर। अगर हम यहाँ कुछ गलत बात कर देंगे तो क्या 100 आदमी हमें ऐसे फॉलो कर लेंगे? लाखों आदमी फॉलोवर्स हैं मेरे, नहीं मुझसे भी बड़े यूट्यूबर्स हैं लीगल के अंदर जो अच्छी एडवाइस दे रहे हैं, लोग ऐसे थोड़े फॉलो कर रहे हैं। तो फिर समस्या ये खड़ी होती है कि क्या किया जाए, आखिर क्या किया जाए। तो क्यों कई बार लोगों के दिमाग में आता है हम ही अपना केस लड़ लें, तो हाँ बिल्कुल आप अपना केस लड़ सकते हैं, और ये वीडियो आज इसी संदर्भ में बनाया जा रहा है, बहुत डिटेल में है। सिर्फ इतना ही नहीं कि आप अपना केस लड़ सकते हैं, इसका जवाब नहीं मिलेगा, और क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या फायदे होते हैं, केस जल्दी खत्म होगा या लेट खत्म होगा, ये सब बातें आज मैं इसमें इंक्लूड करूंगा, देखिएगा जरूर। इसीलिए कहते हैं एजुकेटेड रहिए, चाहे खुद अपना एजुकेशन ले रहे हैं पर उसको सिस्टमैटिक कीजिए। और अगर आप हमसे एजुकेटेड होना चाहते हैं तो हम एक अवेयरनेस कोर्स चलाते हैं, एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को राहत मिल रही है, मजबूत हैं, स्ट्रांग हैं। काफ़ी लोगों ने हमारे साथ अपने कोर्सेज के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, साल साल भर के अंदर अंदर अपने केसेस को बहुत अच्छी पोजीशन पर लेके आ गए हैं, काफ़ी लोग केसेस से बाहर निकल चुके हैं या निकलने वाले हैं। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया वो भी कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि कम से कम उन लोगों का वहाँ पर एक माहौल दिखता है कि इतने सारे लोग हमारे साथ जब ट्रेनिंग ले रहे हैं और जो हमसे पहले आ चुके हैं वो जुड़े हुए हैं, उनके अनुभव जब वहाँ शेयर होते हैं तो पता लगता है कि यहाँ पर हवा हवाई बात नहीं होती है, रिजल्ट्स आते हैं। अगर आप भी इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं तो ये जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर मैसेज डालिए, डिटेल्स लीजिए और उसके बाद ज्वाइन कर सकते हैं। एक और चीज़, अगर आप किसी कानूनी समस्या में फंसे हैं, लगता है कि मैं समाधान दे सकता हूं, तो मुझे एक मैसेज के थ्रू अपॉइंटमेंट मांगी है, मेरा स्टाफ आपको मैसेज के थ्रू सारी डिटेल्स देगा, अपॉइंटमेंट बुक करेगा मैसेज के थ्रू, और फिर उसके बाद एक टाइम दे देगा, उसके बाद दिए हुए टाइम पर मेरा कॉल आपको पास आएगा, और फिर उस वक्त आप और हम बात करके आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। पार्टी इन पर्सन, बेसिकली पार्टी इन पर्सन का सही तरीका कहाँ कहाँ पर उल्लेखित है पहले इसी पर आ जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि जैसे हमने सेक्शन जान लिया हम भाग छूटे, इसके बाद आपको इसके नुकसान फायदे समझने पड़ेंगे, कैसे डील करना है ये भी समझना पड़ेगा। देखिए, सेक्शन 32 एडवोकेट्स एक्ट एक बात कहता है, वो कहता है कि विशेष परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति अपना केस खुद लड़ सकता है, चाहे उसके पास लॉ की डिग्री हो या नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपना केस खुद प्रोसीड कर सकता है। अब ये ज्यादातर जनरल केसेस में होता है, अभी मैं फैमिली कोर्ट्स की केस की बात नहीं कर रहा हूं, ये बात कर रहा हूं जैसे आपके 490 डे लग गया, 406 लग गया, या रेप का केस लग गया, या किसी तरह का मतलब क्रिमिनल केस के आसपास वाली बातों के लिए ये ज्यादा लागू होने वाली चीज है। अब इसके अंदर कई बार बहुत सारे जजमेंट्स आए, और जजमेंट्स में इस बात का हवाला दिया गया कि साहब ये तो सेक्शन 33 एडवोकेट्स एक्ट का उल्लंघन है, या उसके खिलाफ जाने वाली बात है, कोई व्यक्ति बिना एडवोकेट के अपने केस के अंदर कैसे प्रोसीड करेगा। तो इसके लिए बहुत सारी चीजें निकाली गई, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दिए, कई जगह तो वकील साहब ये जाके लड़ लिए कि साहब हमारी तो कमाई छूट जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह हवाला दिया कि नोबल कॉज के लिए किया जाने वाला प्रोफेशन है, ना कि किसी अर्निंग सोर्स के लिए, आप आय के साधन के रूप में इसको नहीं उल्लेखित कर सकते हैं, आप किसी की सेवा करने के उद्देश्य से अगर इसमें आ रहे हैं तो ही कर सकते हैं, वो अलग बात है, सब जानते हैं कि कितनी लग्जरी है इस काम में, कितने लोग कितने वकील हैं जो करोड़ों रुपये की फीस से चल रहे हैं, पर इस बात पर टिप्पणी करना एक अनर्थक प्रयास रहेगा। मुद्दे की बात यह है कि हाँ आप अपना केस लड़ सकते हैं, और इस पर तय यह किया गया कि संविधान का आर्टिकल 22
टू यानी 22 का पॉइंट नंबर एक जो है उसके अंदर अगर आप जाके पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि विशेष परिस्थितियां हैं क्या जो आपके सेक्शन 32 में दी हुई है। सेक्शन 32 सेक्शन 33 जो है एडवोकेट्स एक्ट का उससे नहीं कट सकता है। सेक्शन 32 के लिए सपोर्टिंगली इस चीज का हवाला आप दे सकते हैं कि आर्टिकल 22(1) का हवाला देके आप लड़ सकते हैं कि साहब ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने जघन्य अपराध किया है, जैसे कि आतंकवादी हो, देशद्रोही हो, या फिर किसी आदमी ने बहुत ज्यादा लोगों की हत्या की हुई हो, ब्रूटली मर्डरर हो, या किसी बच्चे को मार, मतलब आप समझ रहे ना, बहुत जैसे निर्भया के केस के जैसे लोग थे, ऐसे लोग जो जघन्य अपराधी हैं उनको अपना केस प्रोसीड करने का राइट नहीं दिया जाएगा। बाकी विशेष परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं, मर्डर का केस भी विशेष परिस्थितियों में नहीं आता है। सिंपल जो एक आदमी लड़ाई झगड़े में किसी को मार देता है वो भी अपना केस प्रोसीड कर सकता है। तो विशेष परिस्थितियां बहुत ऊपर के लेवल की होती है, आपके केसेस नहीं हो सकते हैं। रेप का झूठा केस होगा, ये झूठे केस लोगों लड़ने वालों के लिए मैं स्पेशली कह रहा हूं जिनकी अरेस्टिंग नहीं होती या अरेस्टिंग होने के बाद कुछ साबित नहीं होता है, तब वो अपना केस खुद प्रोसीड कर सकते हैं। अब ये किन केसेस में होता है, देखिए एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट आया था जिसके अंदर बकायदा ये बात कही गई कि ठीक है, कोर्ट ने मान लिया कि हाँ हम मानते हैं कि प्रोफेशन के हिसाब से ये काम वकीलों का है, पार्टी अपना केस क्यों लड़ रही है सेक्शन 32 के अंदर। तब इसके ऊपर टिप्पणी की माननीय हाई कोर्ट ने और ये कहते हुए कहा कि प्लीज आप इस बात को समझिए कि पार्टी ने यहां सिर्फ इतना सा नहीं कहा कि मुझे अपना केस खुद लड़ना है, वो एक समृद्ध व्यक्ति है, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है, और वो व्यक्ति यहां पर यह बात कह रहा है कि मुझे वकीलों पर भरोसा नहीं है। अब यहां यह नहीं कह सकता कि सारे वकील ही भरोसे के लायक नहीं है, कुछ वकील आज भी ईमानदार हैं, अपने प्रोफेशन में अच्छा काम करते हैं, पार्टियों के लिए ही लड़ते हैं, पर फिर भी ये सोचने का विषय है कि पार्टियों का गलत तरीके से केस लड़ने वाले वकीलों की वजह से इमेज बन रही है। और ये बात तो जगत फेमस है कि एक तालाब की गंदी मछली सारे तालाब की मछलियों को गंदा कर देती है, बीमार कर देती है। तो यही स्थिति पर शोभनीय टिप्पणी की कि ये दुख का विषय है कि पार्टी आपके लिए खुलेआम कोर्ट में ये कह रही है, तो तकलीफ की बात है। और इसमें ये कहते हुए पार्टी इन पर्सन ये केस अलाउ कर दिया गया। यहां पर मैं आपको एक और चीज जाते जाते समझाता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है, जैसे 498A का केस है, मर्डर का केस है, रेप का केस है, इन केसेस में हमेशा स्टेट की तरफ से वकील अपॉइंटेड रहते हैं। जो वकील अपॉइंटेड रहते हैं, मान लीजिए आपकी बीवी है और उसने आपके ऊपर 498A का केस कर दिया, तो स्टेट की तरफ से उसका वकील लड़ेगा और बीवी की तरफ से भी उसका वकील लड़ेगा। एक बहुत फेमस लैंडमार्क जजमेंट था, हालांकि वो मर्डर का जजमेंट है, जिसके अंदर प्रोसीड जो है वो लड़की की हत्यारे के ऊपर जब केस लगा तो पत्नी जो थी उसने अपने पति की तरफ से लड़ने के लिए, जिसकी हत्या हुई थी उसकी तरफ से लड़ने के लिए बकायदा एक प्राइवेट वकील अपॉइंट किया था। तो जिस पर हत्या का उसने इल्जाम लगाया था उसके लिए प्राइवेट वकील को हटाने के लिए बकायदा केस लड़ा गया, और बकायदा कोर्ट ने यह बात मानी कि हाँ बिल्कुल गलत बात है, नहीं लड़ सकते प्राइवेट वकील जब स्टेट के वकील वहां खड़े हैं। हाँ, वो बिल्कुल ये काम कर सकते हैं कि लीगल काउंसलर की तरह वो कोर्ट के बाहर से अपनी पार्टी की मदद कर सकते हैं, पर कोर्ट में आकर क्रॉस क्वेश्चनिंग, क्रॉस एग्जामिनेशन और बहस में भाग नहीं ले सकते और इंटरप्ट नहीं कर सकते कोर्ट की कार्रवाइयों के बीच में। वो हिस्सा हो सकते हैं, वहां देख सकते हैं, पर वो खुद वहां खुद आकर वकालत नहीं कर सकते। अब यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे लोग अभी टिप्पणी करने लगेंगे कमेंट सेक्शन में जाकर, तो मैं अब इस मोटे पॉइंट पर आ रहा हूं। अक्सर यह होता है, मैं फायदे अभी नहीं बता रहा हूं, उससे पहले नुकसान बता रहा हूं। अक्सर यह होता है कि जज साहब भी अक्सर, और अति महिलावादी जो जज साहब होते हैं खासतौर से 498 DDV के केसेस में, वो अक्सर यहां पर भिड़ जाते हैं कि नहीं साहब हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, 14%, ये हमारे राइट्स के अंदर है। हाँ बिल्कुल, पर ये संवैधानिक अधिकार है आपका सेक्शन 21 के अंदर भी कि आपको प्रोसीड करने ही दिया जाएगा। तो ये आपका राइट है, आप किसी को अपना केस दें या ना दें। हालांकि जज साहब को ये चीज होती है कि वो मना कर सकते हैं, पर अगर उनके मना करने के बाद भी आप प्रोसीड कर रहे हैं तो वो आपको रोक नहीं सकते। मना करने का राइट है पर फोर्स करने का राइट नहीं है कि नहीं बिल्कुल मना नहीं कर सकते। और अगर भरी कोर्ट के अंदर जज साहब ये कहते हैं कि नहीं आप वकील लेकर आइए तभी मैं आपका केस सुनूंगा, तो वो आपके राइट ऑफ हियरिंग और प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस का भी उल्लंघन कर रहे हैं। आप रिटर्न में कहिए कि ऑर्डर लिखकर दीजिए साहब, तो अक्सर क्या होता है इसको घुमाकर लिखते हैं कि ही वॉन्ट्स द लीगल एड प्रिस्क्राइब फॉर हिम, कि ये लीगल एड लेकर आए। अब ऐसी सूरत में ये जो चीज है ना, यहां पर गड़बड़ हो गई, यहां पर गड़बड़ हो गई है कि लीगल एड के लिए बात करना और प्राइवेट वकील अपॉइंट करने में फर्क है। अक्सर जो पक्षपातपूर्ण रवैया करना चाहते हैं तो ऐसे वकीलों के थ्रू करना चाहते हैं जज साहब जिनके ऊपर उनका प्रभाव रहे और वो आपको कन्वर्ट करवा के दे दें आपका केस आपके खिलाफ ही, ठीक है। तो यहां दबाव रहता है, तो इस वजह से अगर आप अपना केस प्रोसीड कर रहे हैं तो एक तो रिटर्न में मांगिए, जो कि कोई भी जज साहब या मजिस्ट्रेट साहब नहीं लिख के देंगे, खास तौर से फैमिली मैटर्स के अंदर। तो ये चीज के लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आपको मना कर देते हैं, आपको प्रोसीड नहीं करने देते हैं तो डर जाए, घबरा जाए, नहीं बिल्कुल नहीं डरना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। आप इसके लिए बकायदा अपनी एक सिंपल एप्लीकेशन तैयार कर लीजिए, कोई जरूरत नहीं है कि आपको उसके अंदर कोई सेक्शन की जरूरत है या कुछ है। मैं मेरा केस प्रोसीड करना चाहता हूं, मुझे जज साहब प्रोसीड नहीं करने दे रहे, या तो मेरी बेंच चेंज कर दी जाए और या फिर जज साहब को पाबंद किया जाए कि ये बकायदा मुझे अलाउ करें मेरा केस प्रोसीड करने में सेक्शन
32 के अंदर, अभी तक मैं क्रिमिनल केसेस की बात कर रहा हूं, अभी मैंने फैमिली केसेस की बात नहीं की है, तो वहां पर इस तरह से कर सकते हैं। ये सेम रेमेडी हालांकि फैमिली केसेस में भी चलती है, तो इस तरह से आप प्रोसीड कर सकते हैं कहीं भी अपील करके, चाहे आप रजिस्ट्रार जनरल में कंप्लेन कर सकते हैं, चाहे आप अपर कोर्ट जो भी ऊपर की कोर्ट है, जज साहब या मजिस्ट्रेट साहब के ऊपर, वहां एक दिन के लिए अपील के लिए जा सकते हैं, एक दिन में फाइनलाइज हो जाता है। इसके अलावा अब बात करते हैं कि फैमिली केसेस के अंदर क्या होता है। फैमिली केस के अंदर फैमिली कोर्ट्स एक्ट सेक्शन 13 आपको राइट देता है कि वहां पर आप अपना केस खुद प्रोसीड करेंगे, वहां पर कोई भी विधिक व्यवसायी जो कि प्रोफेशनल लीगल प्रैक्टिशनर जो होते हैं उनको अलाउ नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है। उसी तरह जैसे आप 498A में आप प्राइवेट वकील को हटा सकते हैं, स्टेट का वकील वहां केस लड़ रहा है जैसे, मगर यहां पर आप एक भी वकील अलाउ नहीं कर सकते क्योंकि वहां स्टेट का वकील नहीं होता, इसीलिए इनको अलग से नाम दिया गया कुटुंब न्यायालय। कुटुंब न्यायालय का यही सिद्धांत है, यानी फैमिली कोर्ट्स एक्ट जो है वो क्लियर कहता है कि यहां पर CRPC IPC नहीं लगता है, इसलिए कई बार लोग अपना यह हवाला देके घुसते हैं कि साहब सभी कोर्टों में प्रैक्टिस कर सकते हैं सभी एडवोकेट्स, और इसके लिए हमें विशेष उपबंध दिया गया है एडवोकेट्स एक्ट सेक्शन 33 के अंदर, मगर यहां पर फैमिली कोर्ट्स एक्ट इस बात से अपने आप को अछूता रखता है, वो इस बात से बंधा हुआ नहीं है। पार्टी अगर अपना यहां पर रिप्रेजेंटेटिव लेके आ रही है तो गलत कर रही है। अब यहां पर काफी लोग कहते हैं कि सर हमने सेक्शन 13 पढ़ा, पर हुआ यह कि सेक्शन 13 फैमिली कोर्ट्स एक्ट पढ़ा तो वहां पे न्याय मित्र लिखा हुआ है, एमिकस क्यूरी वहां लिखा हुआ है, तो एमिकस क्यूरी या न्याय मित्र का जो है वो रिप्रेजेंटेशन के लिए नहीं है, उसका काम है कि वो मित्र की तरह आपको सलाह दे सकता है, वो आपको डिफाइन करके दे सकता है प्रोसीडिंग कैसे करनी है, आपको बहस कैसे करनी है। वैसे भी आप फैमिली मैटर्स के अंदर गलतियां कर सकते हैं, आपको गलतियां करने पर दोबारा मौका दिया जा सकता है, अपराध नहीं होता है। तो आप इस बात पर डरें कि साहब अगर हमने गलत बोल दिया तो, अगर हमने गलत लिख दिया तो, कोई चीज़ ऐसी हो जो लिखने के बाद पता चले कि हमने तो अपने खिलाफ लिख दी, तो संशोधन समाशोधन दोनों अवेलेबल है वहां पे, यानी इतना बड़ा टेंशन नहीं है कि डील करने में दिक्कत आती है। और इसी वजह से 498A में भी प्रोसीडिंग करते वक्त आप पहले से कह दें कि हाँ साहब मैंने जो लीगल एड डिपार्टमेंट है वहां पर बकायदा जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। इससे क्या होता है कि बार बार कोर्ट आप पे दबाव नहीं बनाएगी कि आप लीगल एड लीजिए लीगल एड लीजिए, हाँ साहब मैं वहां से पूछताछ के आ रहा हूं, अपना खुद का पढ़ते रहिए। वो लोग भी अच्छे लोग होते हैं, अक्सर मदद अच्छी करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं ऐसे लड़िए इस तरह से लड़िए, तो कोशिश रहती है, फिर भी वहां से मदद नहीं मिल रही हो तो आपको ऑनलाइन भरपूर मदद मिल रही है, वो सब जोड़कर जाइए। पर वहां रजिस्ट्रेशन रहने से एक बार के लिए जज साहब के पूरे हाथ साफ हो जाते हैं कि वो अब आप पे पूरी तरह से दबाव नहीं बना सकते। और हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी कोई जज साहब या मजिस्ट्रेट साहब आपके खिलाफ वकील लाने के लिए दबाव बना रहे हैं तो रिटर्न में ऑर्डर मांगिए, अपने आप चुप हो जाएंगे, या फिर आप खुद लिख के दे दीजिए कि आप मुझे बार बार जो है प्राइवेट वकील या किसी भी तरह का वकील करने के लिए बार बार बोल रहे हैं, आप मुझे इस पर लिखित ऑर्डर दे दीजिए, मेरी ये एप्लीकेशन है कि मैं नहीं लाना चाहता, अब आपका क्या रुख है वो बता दीजिए। परंतु इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप एडवांस में ही अगर आप कोई भी फैमिली कोर्ट्स के बाहर का केस लड़ रहे हैं, सिविल हो या क्रिमिनल, सेक्शन 32 एडवोकेट्स एक्ट की एप्लीकेशन एडवांस में दीजिए। आप चाहें तो हमारे यहाँ से भी फॉर्मेट प्राप्त कर सकते हैं। आपको लगता है कि फैमिली कोर्ट में मुझे जिरह करनी है तो आप अपना फैमिली कोर्ट्स एक्ट सेक्शन 13 में अपना एप्लीकेशन दीजिए, इसका फॉर्मेट भी आप हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जरूरी चीज़ यह है कि इसका फायदा हमेशा मिला है, हमारे कोर्सेज में भी जितने लोगों ने अभी तक ये चीज़ें की हैं, जितना जल्दी रिजल्ट, मैं फायदों पर आ रहा हूँ, जितना जल्दी रिजल्ट बंदा अपने केस में निकाल पाता है उतना जल्दी अक्सर वकील नहीं कर पाते। देखिए वकीलों को कभी दोष मत दीजिए, उनका प्रोफेशन है, उनके पास दुनिया भर के केसेस होते हैं, अक्सर अच्छे वकील जो होते हैं वो कोशिश पूरी करते हैं कि आपके केस को चलाएं, पर कई बार कोर्ट्स की तरफ से लंबी डेट्स मिल रही होती है, और कई बार ऐसा होता है कि उनके पास भी कई बार समय की उपलब्धता नहीं होती या फिर उतनी तैयारी नहीं हो रही होती, तो केस को डेट्स पे लटकाया जाता है। अब कुछ लोग होते हैं जिनका तरीका यही है कि वो अपने प्रोफेशन में लोगों को लटकाना ही पसंद करते हैं, पर जनरली मैं आपको बता दूं कि हर केस की लिमिटेशन है, फैमिली केस की स्पेशली, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लिमिटेशन है 6 महीने की, 60 दिन से लेकर 6 महीने में केसेस डिस्पोज ऑफ होनी चाहिए। या तो वकीलों को ये कानून नहीं पता, और पता है तो वो इस तरह से यूज़ नहीं करते हैं, इसीलिए आप लोग इतना लंबा केस लड़ते हैं और लड़ते चले जाते हैं। दूसरी बात, फैक्ट्स का अरेंजमेंट आपकी तरह नहीं कर पाते, आपने तो सारी दुनिया को सुना सुना के रिकॉल कर करके अकेले में सोच सोच के टेंशन ही कर कर कि मेरी बीवी के साथ मैंने ऐसा किया वो किया कैसे धोखा दे गई, तो कुछ भी हुआ हो पर अल्टीमेटली आप अपने केस के अंदर सारे फैक्ट्स को सही प्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये सबसे मजबूत बात है, ये सबसे स्ट्रांग बात है अपने केसेस को रिप्रेजेंट करने की। तो आप अपनी बात को समझ के चलिए, आप जितने स्टेप्स को सही फॉलो कर सकते हैं, वकील साहब के पास टाइम का अभाव हो या नियत का अभाव हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ से ऊपर नीचे हो ही जाता है केस। दूसरी चीज, उनका केस मल्टीपल केसेस के ऊपर उनका फोकस होता है, आपका केस इंडिविजुअली आपका है और आपका मल्टीप्लाई करके अपने केस पे फोकस होता है, आप इतना ओवरली मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं अपना फोकस अपने केस के ऊपर कि आपसे बेहतर कोई वकील हो सकता है, नहीं हो सकता है। मैं यहां पर ये एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अवेयरनेस वाली बात है, आप लोग अगर अपने केसेस को खुद डील करते हैं बहुत अच्छा है,
नहीं कर पाते हैं तो जरूर वकील कीजिए, वरना केस में उलझ भी सकते हैं। अगर आपको नॉलेज चाहिए, उसकी अवेयरनेस ये और मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखना है, तो आप हमारे कोर्सेज भी ज्वाइन करके अपने केसेस लड़ सकते हैं। मेरे यहाँ ज्यादातर लोग अपना केस खुद लड़ना प्रेफर करते हैं। हमारे पूरे के पूरे कोर्स को ज्वाइन करने के बाद कुछ दिनों बाद कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि हर चीज का सिर्फ नॉलेज वाला मैटर ही नहीं चल रहा होता है, प्रैक्टिकली भी हम आपको डेवलप करते हैं इन चीजों में कि कोर्ट का माहौल क्या है, किस तरह से डील किया जाता है, आपको किस तरह से कंफ्यूज किया जाएगा, ये सब इसका हिस्सा होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर जाना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में आज ज़रूर बता के जाना कितना जोश आया।